दोस्तों, अगर आपका YouTube में चैनल है तो ये वीडियो कम देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में जो, अगर मान लीजिए आपने आज चैनल बनाया है, कल उठ के आपका 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर भी होगी, उसके बाद चैनल अंडर रिव्यू में जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है और यूट्यूब क्या क्या चेक करता है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट रखना है और ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपका जो अंडर रिव्यू पर जाने के बाद 100% चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। तो ये वीडियो पूरा देखना, और अभी तक हमें YouTube में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल करने वाले आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिल जाएगी, बिल्कुल भी इसमें विचार नहीं लगता। गाइस, आप सबको पता ही होगा कि अगर YouTube में अगर पैसे कमाना है तो मोनेटाइजेशन ऑन करना ज़रूरी होता है, और बहुत तरीके हैं और पैसे कमाने के YouTube के द्वारा, बट मोनेटाइजेशन ऑन एक फर्स्ट स्टेप होता है। अगर ये ऑन हो जाता है तो हमें काम करने का भी और मज़ा आ जाता है, क्योंकि थोड़े बहुत तो पैसे मिल जाते हैं उससे भी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो मोनेटाइजेशन ऑन करना होगा चैनल पे, और उसके बाद ही पैसे मिलेंगे, मतलब एड्स आएगी अपनी वीडियोज़ पे और उसके पैसे मिलेंगे। और मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए पहले तो आपको उसमें एडसेंस अप्रूव करना होगा, और चैनल पे पहले तो 4000 घंटे वॉच टाइम भी होना ज़रूरी है, और 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ये काम होता है। पहले उस 4000 घंटे वॉच टाइम आपने कंप्लीट नहीं किए है और 1000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पे नहीं हुए लास्ट 12 महीने में, तो फिर आपका चैनल का मोनेटाइजेशन जब तक नहीं हुआ तब तक आपको फ्री ही काम करना होगा। बट आपके 4000 घंटे वॉच टाइम भी कंप्लीट हो चुका है और 1000 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं लास्ट 12 मंथ में, तो फिर आपका चैनल अंडर रिव्यू में जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले तो एडसेंस वहाँ पे अप्रूव करना होगा, जैसे कि आप प्रोसेस करते हो अंडर रिव्यू प्रोसेस के लिए, और आपने नहीं भी किया तो आपको वहाँ पे एक पॉपअप शो होगा कि आपका चैनल का 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, 1000 सब्सक्राइबर भी हो चुका है, तो आप वहाँ से प्रोसेस कर लीजिए। अगर आपने पहले से कर रखे है तो वहाँ पे नीचे कितने घंटे बाकी है और कितने सब्सक्राइबर बाकी है वो बताया जाएगा। होगा गूगल एडसेंस में जाके, जो गूगल एडसेंस अलग है और यूट्यूब अलग है, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। गूगल एडसेंस में जाके आपका अकाउंट बनाना है, या फिर आप यूट्यूब से डायरेक्ट लिंक करोगे तो भी वहाँ पे पहुँच जाओगे गूगल एडसेंस में, तो आपका गूगल एडसेंस होना ज़रूरी है, मतलब आपका नेम का। और बता दूँ वहाँ पे कोई भी नेम नहीं देना, खुद का रियल नेम देना, जैसे कि आप जो भी सरनेम हो, नेम और कुमार भाई जो भी हो, वो सिंपली सैम लिखना है। आपका जो आइडेंटिटी होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं चलेगा, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में जो भी नेम है वहीं आपको वहाँ पे नेम रखना है, एड्रेस भी सेम रखना है। और बता दूँ कि एक ही नेम पे, मतलब एक ही एड्रेस पे एक नेम का एक ही एड्रेस बन सकता है। अगर आप मान लीजिए वो आपका अकाउंट एडसेंस डिसेबल हो जाता है, तो फिर आपका खुद का वापस वहाँ पे एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते, उसके लिए आपको अपने पापा मम्मी का एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे कि एक ही एड्रेस पे आपका पापा का नाम अलग होगा तो उससे आप एडसेंस बना सकते, बट आपका खुद का नहीं बना सकते। इससे मैंने बताया कि एक ही एड्रेस पे एक ही नेम का एक ही एडसेंस बना सकते हो। अब यहाँ पे ये भी बता दूँ, अगर आपका चैनल आज अंडर रिव्यू में जाएगा तो कितना टाइम लगेगा आपके चैनल को मोनेटाइजेशन ऑन होने में। तो वैसे ही यहाँ पे YouTube का कहना है कि जो भी आपकी चैनल में जितने वीडियोस होंगे उसका हम एनालाइज करेंगे, मतलब उसको देखेंगे, सब कुछ देखेंगे कि वो पार्टनर प्रोग्राम को मैच करता है या नहीं, उनके जो पॉलिसी उसके मैच करती है या नहीं, तो उसके बाद वो उसको मोनेटाइज ऑन किया जाएगा। तो इसमें टाइम लगेगा, कोई फिक्स टाइम नहीं है। जैसे मान लीजिए आपकी वीडियोज़ बहुत कम है तो थोड़ा टाइम कम लगेगा, 1-2 दिन में हो जाता है, बट वीडियोस ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि 300-400 वीडियो हो जाए तो उसमें भी टाइम लगता है, ठीक है। तो वो सब चेक करने में टाइम लगता है। तो यहाँ जो YouTube कहता है मैक्सिमम आपको 1 महीना लगेगा, जब अंडर रिव्यू, मान लीजिए आपका वीडियो चैनल आज अंडर रिव्यू में गया तो उसके 30 या 31 डे मैक्सिमम लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, पार्टनर प्रोग्राम में एक्सेप्ट नहीं होता, या फिर ऑन नहीं किया जाएगा, या फिर ऑफ ही रखेगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अंडर रिव्यू के बाद भी, तो भी आपको 30 या 31 के अंदर अंदर जो भी आंसर होगा वो मिल जाएगा। अगर ऑन किया जाएगा तो ऑन भी कर देगा डायरेक्ट और वो भी मिल जाएगा। अगर ऑफ, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते, ऑन नहीं कर सकते, तो भी आपको मेल मिल जाएगा कि आपको आपका जो YouTube चैनल है पार्टनर प्रोग्राम को मैच नहीं करता, तो इस वजह से YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया जाए। ये तो बात होगी टाइम की, तो कोई फिक्स टाइम नहीं होता। मैक्सिमम फिक्स टाइम बताओ तो जो चैनल चेकिंग का 30 या 31 डे होता है, यानी कि 1 महीना होता है। अब ये अंडर रिव्यू में जाने से पहले आपको कुछ बातें भी ध्यान रखनी होती है। ये तो मैंने बेसिक बताया, मतलब यहाँ पे ये सब कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपको अगर आपका चैनल अंडर रिव्यू में नहीं गया उससे पहले, या फिर जाने वाला 1-2 दिन में, तो उससे पहले क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पहले बात आती है कॉपीराइट कंटेंट की। अगर यहाँ पे आपके चैनल पे 3 कॉपीराइट आ जाते तो वैसे भी चैनल बंद होने वाला है, बट 1 या 2 कॉपीराइट होती है, या फिर 1 या 2 कॉमेडी गाइडलाइन स्ट्राइक भी होती है,
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले के टाइम में होता था 2018-19 में कॉपीराइट इश्यू होता था, मतलब अगर आपके चैनल पे एक भी कॉपीराइट होता तो भी चैनल अंडर रिव्यू में पड़ा रहता जब तक वो एक्सपायर नहीं होती। बट अब ये प्रॉब्लम नहीं होती। कॉपीराइट का मतलब अगर एक या दो कॉपीराइट भी होती है तो भी आपका चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया जाता है। ये तो हो गई कॉपीराइट बात, बट कॉपीराइट आया क्यों है? आपने गलती की तभी कॉपीराइट आया ना। अगर आपने किसी का वीडियो यूज़ किया या फिर म्यूज़िक जो भी यूज़ किया तो उसके बाद या फिर आपने किसी को गाली दी वगैरह दी तो ये कम्युनिटी के खिलाफ है, यूट्यूब की कम्युनिटी के खिलाफ है। तो भी कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आती है, या फिर यूट्यूब के खिलाफ आप काम करते हो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आती है, या फिर किसी का कंटेंट यूज़ चुरा लिया तो ये सब कुछ आप काम करो तभी कॉपीराइट और कम्युनिटी दोनों आती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उस चैनल पर गलत काम कर रहे हो। अब गलत काम करने का मतलब आपका चैनल पर इफेक्ट पड़ने वाला है मोनेटाइजेशन पर। अब आपने गलत काम किया तभी कॉपीराइट या कम्युनिटी आया, तो अगर बाकी की वीडियो जो आपने, मान लीजिए आपने एक दो वीडियो ही ऐसे डाली, बाकी की वीडियो बिल्कुल रियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद की वीडियो बनाई है और बिल्कुल सही कंटेंट है, तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी वीडियोस पे जो कॉपीराइट आए उस वीडियो में गलत बताए तो वो एक दो वीडियो डिलीट कर लीजिए, ठीक है, या फिर पहले से डिलीट हो चुके तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसका वॉच टाइम नहीं किया जाएगा। अगर डिलीट कर दे तो उसके बाद वो वॉच टाइम नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अगर आप वो वीडियो डिलीट कर दें उसके बाद भी 4 घंटे वॉच टाइम अवेलेबल है, वो पूरा हो चुका है, तो फिर बाकी के जो वीडियोस है वो सही आपकी वीडियो बनाई है, मतलब बाकी वीडियो एक्सेप्ट करने लायक है, तो फिर आपका चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। बट आपने गलती सारी वीडियोज़ में की है और कॉपीराइट एक दो वीडियोज़ पर आया और बाकी की वीडियोज़ भी आपकी खुद की नहीं है, आपने किसी को उठा के अपलोड कर दी या फिर किसी का कंटेंट चुरा के अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, या फिर आप काम ऐसा कर रहे हो जो कम्युनिटी के खिलाफ है, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो भी आपका चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया जाएगा। ये पहली बात आती है कॉपीराइट कंटेंट के बारे में। अब सेकंड नंबर की बात आती है यहाँ पे रियूज कंटेंट, मतलब कि मैंने जैसे बताया कॉपीराइट सेम इश्यूज में आता है कि पहले से जो कंटेंट पड़ा है वो सेम आप डाउनलोड करके अपने वीडियोज़ पर अपलोड करते हैं तो वो अलाउड नहीं किया जाता, क्योंकि वो कंटेंट पहले से अपलोड है, किसी ने वो रियल ऑनर है, तो वो रियूज कंटेंट अलाउड नहीं किया जाएगा आपके चैनल पर। या फिर वो मतलब एक बार एक ही कंटेंट अपलोड होता है यूट्यूब पे तभी वो एक्सेप्ट किया जाता है। सेम कंटेंट मतलब अगर थोड़ा बहुत एडिट कर दे तो वो भी थोड़ा बहुत चल सकता है, बट पूरा का पूरा सेम कंटेंट आप यूज़ करते हो, जैसे कि मान लीजिए कोई म्यूज़िक वीडियो अपलोड कर दिया है आपने, वहीं पर डाउनलोड करके सेम अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, तो फिर नहीं होगा, ये रियूज कंटेंट में आता है। और यहाँ पे थर्ड नंबर की बात आती है रिपीट कंटेंट में। रिपीट कंटेंट मतलब मान लीजिए आपका, आप खुद वीडियो बना रहे हो, आप चाहे वो खुद वीडियो बना रहे हो, तो मान लीजिए आपने कोई वीडियो, आपका वीडियो वायरल हो चुका है, आप सोच रहे चलो ये वीडियो वायरल हो रहा है तो मैं फिर से इसी वीडियो को अपलोड कर लेता हूँ सेम टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सब कुछ लगा के, ताकि मेरा दूसरा वीडियो भी वायरल हो जाए, उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प हो जाए या वॉच टाइम वगैरह मिल जाए। तो अगर ये रिपीट कंटेंट मतलब आपके चैनल पे दो या एक वीडियो अलाउड, लेकिन दूसरी बार वही सेम रिपीट कंटेंट होता है, मतलब कोई भी अलग नहीं है उसमें, कोई भी आपका मतलब आप बोल रहे हाय तो उस दूसरे वीडियो में भी हाय उसी टाइम पे उसी सेकंड पे, तो ऐसा रिपीट कंटेंट होता है, मतलब सेम टाइम पे सब कुछ सेम है, तो फिर वो रिपीट कंटेंट में आता है और दूसरे टाइम आपका वो वीडियो अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कंटेंट आप अपलोड करते हैं तो वो मोनेटाइजेशन के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा, मतलब वहाँ पर आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यू फॉर कंटेंट, मतलब आपकी वीडियोज़ तो बनाई, आपने वीडियो बनानी पर उसका वैल्यू भी होना चाहिए, लोगों को चाहिए वो वीडियो, इस तरह से वैल्यू भी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने कोई भी वीडियो अपलोड कर दी, चलो यहाँ पे कहीं दंगे हो रहे वगैरह, या फिर उसका आपने शूट कर लिया और फिर अपलोड कर दिया, तो वो सब कुछ अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वो उसमें कुछ वैल्यू ही नहीं, मतलब कि लोगों को इस तरह का कंटेंट क्यों पसंद आएगा? लोगों को कंटेंट पसंद आए इस तरह के वीडियो आप डालोगे और यूट्यूब पर लगा हाँ इस वीडियो में कुछ थोड़ी बहुत वैल्यू है जो लोगों को चाहिए इस तरह की वीडियो लगती है, तो वो सब कुछ अलाउ करते हैं वीडियो, मतलब कि यूट्यूब अलाउ करता है और इस तरह की चैनल होती है तो उसको मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया जाता है। अगर आपकी वीडियोज़ पर वैल्यू नहीं होती तो फिर आपके चैनल का मोनेटाइजेशन होने का चांस बहुत कम हो जाता है इस प्रॉब्लम में भी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े स्टार जो यूट्यूबर होते हैं उनके चैनल का टैग में लगा देते हैं, मतलब चैनल उसका नाम टैग में लगा देते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम होती है। मतलब कि होता क्या है कि आपका वीडियोज़ उसके वीडियोज़ के नीचे रिकमेंडेड में आए, ये सोच के हम उसका टैग वगैरह लगा रहते हैं, ये थंबनेल में भी फोटो लगा लेते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। थंबनेल किसी का चुराना ये भी गलत बात है, खुद का बनाओ, टैग भी खुद का बनाओ, डिस्क्रिप्शन भी खुद के बनाओ, टाइटल भी खुद का बनाओ। किसी का मतलब अगर मान लीजिए उस वीडियो ही आपकी उस टॉपिक के लिए या फिर उस चैनल के रिलेटेड है तो फिर बात अलग है, बट आपका वीडियोज़ किसी और टॉपिक पर आप टैग्स कुछ और लगा रहे हो तो भी आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा।
तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखनी होगी। और एक खास बात, अगर आप वीडियोस कोई हैक या फिर किसी को ब्लेम करना इस तरह की वीडियो बनाते हो, जैसे कि हैकिंग सिखा रहे हो वगैरह, या फिर कोई पेड एप्लीकेशन होती है वो फ्री में कैसे डाउनलोड करते हैं या मूवी कैसे डाउनलोड करते हैं, इस तरह की वीडियो बनाते हैं, तो वो भी यूट्यूब अलाउ नहीं करता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यूट्यूब की वीडियोज़ कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी इस तरह की वीडियो बनाते हैं, तो भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, आपके चैनल में मोनेटाइज सामान नहीं होगा। और यहाँ में मेन बात आती है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और साइड में भी दिखा दूंगा कुछ टॉपिक्स यूट्यूब ने खुद रखे हैं कि इस तरह की कॉप टॉपिक पे आप वीडियो बनाते हो तो फिर 100% आपका चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। और मैं साइड में सारे कंटेंट दिखा दूँ, मतलब टॉपिक दिखा दूँगा, इस तरह के वीडियो आपको नहीं बनाने, इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनानी, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। और ये सब कुछ आप ध्यान रखें और इसमें आप नहीं आते तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका चैनल का मोनेटाइजेशन 100% हो जाएगा। मैक्सिमम 30-31 डे लगेंगे, इसके अंदर अंदर ही हो जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उससे ज़्यादा लगेगा तो आपको सिंपली मेल कर दो या फिर फीडबैक कर दो, बट यहाँ पे YouTube कहता है कि इतना टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा हम चैनल पे टाइम नहीं लगेगा, जो भी डिसीजन होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो मेल के थ्रू आपका जो भी डिसीजन होगा वो आपको मिल जाएगा उस मेल में जो आपका चैनल बना, ठीक है, उसमें उसी में मेल आएगा। तो ये कुछ टॉपिक आपको ध्यान रखनी है। और अंडर रिव्यू में जाने से पहले ये कुछ सब कुछ आपको ध्यान रखना है जो मैंने पहले बताया, उसके बाद तो अंडर रिव्यू में चला जाएगा और ये सब कुछ चेंजिंग करने जाओगे तो फिर यूट्यूब चेक करना बैठेगा, तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो अंडर रिव्यू में जाएगा उसके बाद चेक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और चेकिंग होने के बाद सब कुछ अलाउ करता है तो फिर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं, अगर आप यूट्यूबर है, यूट्यूब पे अच्छे से काम करना चाहते हैं तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको यूट्यूब में मोनेटाइजेशन पैसे नहीं कमाने तो फिर बहुत सारे और भी तरीके हैं, उससे भी आप पैसे कमा सकते हो। तो ये है आज के इस वीडियो में, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो पसंद, लाइक कर लीजिए और चैनल पर नया सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।